कोसी टाइम्स ने 3 जनवरी को सबसे पहले खुलासा किया था कि किस तरह आम लोग, बड़े बड़े नेता, अधिकारी और सफेद पोष बिजनेसमैन सेक्सटॉर्शन के शिकार हो रहे हैं। खासकर मधेपुरा, सुपौल, सहरसा सहित कोसी सीमांचल में सेक्सटॉर्शन ने एक संगठित अपराध का रूप ले लिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है। मुरलीगंज के पूर्व चेयरमैन श्वेत कमल उर्फ बउआ जी का सेक्सटॉर्शन से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो के वायरल होने के बाद जब चर्चा का बाजार गर्म हुआ तब पूर्व चेयरमैन अपना पक्ष रखने के लिए सामने आए। उन्होंने बाजाब्ता प्रेस वार्ता बुलाई और इसे राजनीतिक साजिश बताया और वीडियो को फेक करार दिया। सुनिए यहां श्वेत कमल उर्फ बउआ यादव ने क्या कुछ कहा है। लगातार इस नंबर को आप लोग देख रहे 95-83-95-82-36 इस नंबर से उस वीडियो के बदले में पैसे की मांग की जा रही है। तरह तरह के आईडी से देख ली, तरह तरह के अकाउंट नंबर भी भेजा जा रहा है उनको। मैं बलगला रहा हूँ कि देखिए भैया नंबर इस पर नहीं जा रहा, इस पर नहीं, तरह तरह का ये डाला जा रहा है इस पर कि आप इस पर डालिए। इसकी लिखित शिकायत, मौखिक शिकायत तो हम 1 तारीख को ही कर दिए, 30 तारीख को ही, लेकिन लिखित शिकायत हम 1 तारीख को दे दिए। वरीय पदाधिकारी सबसे भी मिले थाना प्रभारी के द्वारा, मैंने केस भी उसमें दर्ज कर दिया है ऐसे लोगों पर। इनका अंतिम में देखिए 24,000 की डिमांड की गई है, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। 15 तारीख तक का टाइम है, हम कहेंगे 18 तक करवा देंगे। 18 तक का उसे हम समय ले लिए, लेकिन इसी का ये दे रहे हैं कि ये आदमी कहीं ना कहीं से समाज का ये कोर है। और देख लीजिए वीडियो में स्पष्ट होगा, वीडियो को चला करके देख लीजिए आप लोग कि वहाँ हमको सोया दिखाया जा रहा है। बगल में गौर से देखिए, वो बनाने वाले तो होशियारी किए लेकिन वो भूल गए, बगल में एक आदमी और सोया हुआ है, एक आदमी और बगल में ही सोया हुआ है। तो कोई आदमी क्या बगल में किसी को सुला करके वीडियो कॉल करेगा, ये संभव है? वो भी नंगा होकर के और गर्दन के पास से देखिए वो वीडियो का ये कैसे क्या क्या कहता है तो उतना जानते नहीं, वो वीडियो को ऐड करके वीडियो बनाया गया स्पष्ट है। आप सभी लोग भी जानते होंगे क्योंकि आप लोग तो लगातार इसके दिन रात पेपर फोटो सब से क्या क्या होता है पता नहीं, लोग को पूछे तो तरह तरह की बातें, ये इस तरह का इसका तरह तरह का धमकी, नहीं दोगे तो वायरल कर देंगे, ये कर देंगे। तो इसके पीछे कौन है? 24,000 दे देते हम उनको, कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन इसके पीछे कौन है? और जो जिस फोटो को दिखाया गया, जिस लड़की का फोटो दिखाया गया, मैं जो लोग इसके पीछे संयंत्रकारी है, मैं उससे दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप मुझे खराब बात भी, अगर आप एक बाप का पैदाइश हो तो आप उस लड़की का एड्रेस या कुछ भी आप किसी पब्लिक में बता दो, मैं मुंह मांगा रकम आपको दूंगा, 10 लाख राशि का मैं इनाम दूंगा। अगर वो लड़की फेक नहीं होगी तो मैं 10 लाख रुपया सारे मीडिया भाई के सामने मैं कह रहा हूँ, 10 लाख रुपया मैं अपने संपत्ति को में से उनको 10 लाख रुपया दूंगा, अगर कहीं किसी को बता दे कि वो लड़की ये फेक कंप्यूटर से बना करके इस तरह का एक्सटॉर्शन करना, ये कतई संभव नहीं। और मेरे कोसी टाइम्स इस वीडियो के सही या गलत होने की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में जो कुछ दिख रहा है वह सत्य सबके सामने है। वीडियो के सही होने की जानकारी साइबर एक्सपर्ट्स की होगी ही, लेकिन दलीलें कई हैं तो सवाल भी कई उठ रही है। पूर्व चेयरमैन अपने राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाकर सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि उनके पास पहली बार यह रंगदारी का फोन कब आया। सवाल यह भी है कि अगर यह पूर्व चेयरमैन की राजनीतिक विरोधियों की साजिश थी तो ऐसा वीडियो चुनाव से पहले क्यों नहीं वायरल किया गया। साथ ही पूर्व चेयरमैन जिन राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने उनके नामों का खुलासा क्यों नहीं किया। बहरहाल पुलिस शिकायत पर जांच कर रही है, सही तरीके से जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी तो जरूर हो जाएगा। अब बताते हैं आपको इस वीडियो में क्या कुछ दिख रहा है। सेक्सटॉर्शन से जुड़े वायरल वीडियो में कई आपत्तिजनक सीन है। बड़े स्क्रीन पर पूर्व चेयरमैन दिख रहे हैं तो कोई एक छोटे स्क्रीन पर लड़की दिख रही है। पूर्व चेयरमैन एक कमरे में पलंग पर लेटे हुए हैं, पलंग पर मच्छरदानी भी लगी हुई है, पास में उसी तरफ बेड पर दूसरी तरफ एक युवक विपरीत दिशा में मुंह कर सोया हुआ है। धीरे से लड़की पहले अपने वस्त्र उतारती है और फिर चेयरमैन अपने बदन को सहलाने लगते हैं। इसके बाद लड़की ऊपर का पूरा वस्त्र हटाकर अर्धनग्न हो जाती है। इसके बाद पूर्व चेयरमैन भी अर्धनग्न नजर आते हैं। इसके बाद उस तस्वीर में या उस वीडियो में क्या कुछ दिखता है हम आपको नहीं दिखा सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्व चेयरमैन का यह पहला फोटो या वायरल हुआ है, इससे पूर्व भी पूर्व चेयरमैन को लेकर कई फोटो भी वायरल हो चुके हैं। पूर्व चेयरमैन से जुड़ी कई घटनाओं की फोटो होने के बाद हर बार वो अपने प्रतिद्वंदियों की साजिश बताकर सफाई देते रहे। मामले में देखना अब ये दिलचस्प होगा कि पुलिस को शिकायत के बाद पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या सही और क्या गलत सामने आता है। अगर कोई पूर्व चेयरमैन के तस्वीर को इस तरह से गंदा करने का कोशिश किया है तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है।